तो लगातार कड़ी मेहनत और नीट क्रैक करने के बाद तुमने भी एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले ही लिया एंड द कॉलेज इज वन एंड ओनली CMSDH। तो आओ चलो तुम्हें इस कॉलेज की एक सैर करवाता हूँ। तो ये है कॉलेज का मेन एकेडमिक बिल्डिंग जहाँ पे सबकी क्लासेस होती है फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर। अब मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टोर जानना बहुत ज़रूरी है। तो कॉलेज में एक 12 नंबर नाम की शॉप है जहाँ से तुम फ्री में प्रिस्क्रिप्शन दिखा के दवाइयाँ ले सकते। देखो वैसे तो मैंने कैंपस टूर के ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं चैनल पे, जो तुम देखना चाहो तो तुम आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में तुमको उसका लिंक मिलेगा, तो तुम वहाँ से जाके उसको देख सकते हो ताकि तुमको कॉलेज के बारे में और ज़्यादा कुछ पता चल सके। ओके, फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम प्रतीक अग्रवाल एंड आई एम अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट इन CMSDH। तुम में से ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, तुम लोगों ने भी न्यू एडमिशन लिया होगा इस कॉलेज में और तुम चाहते हो कि देखना कि तुम्हारी क्लासेस कहाँ पे होगी। तो चलो मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ कि तुम्हारी फर्स्ट ईयर की क्लासेस कहाँ पे होगी। तो ये है तुम्हारे फर्स्ट ईयर का LT, मतलब लेक्चर थिएटर, जहाँ पे तुम्हारे सारे फर्स्ट ईयर के थ्योरी क्लासेस होंगी। और अफसोस की बात यह है कि इसमें कोई AC नहीं, तो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लो। बट फर्स्ट ईयर ख़त्म होने के बाद जब सेकेंड ईयर में जाओगे तुम, तो इस नॉन AC LT से भी तुम्हारी बहुत यादें जुड़ चुकी होंगी। और ये है तुम्हारे प्रैक्टिकल रूम्स जहाँ पे तुम्हारे फर्स्ट ईयर के जितने भी प्रैक्टिकल रिलेटेड टू फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री वो सब तुम्हारे यहाँ पे परफॉर्म किए जाएंगे। और ये है डॉर्मेट्री। रूम्स मिलने से पहले फर्स्ट ईयर वालों को कुछ महीने यहाँ रहना पड़ता है एंड आई कैन गारंटी यू दिस वुड बी द बेस्ट डेज ऑफ योर हॉस्टल लाइफ। तो जितनी हो सके डॉर्मेट्री में अपने फ्रेंड्स एंड मेमोरीज बनाना, क्योंकि वो टाइम वापस नहीं आए। और ये है थर्ड फ्लोर का ACLT जहाँ पे सेकेंड ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक वालों की क्लासेस होती है इन ऑल्टरनेट बैचेस। तो चिंता मत करना, अभी तुम में से जो भी फर्स्ट ईयर में हो एक साल निकाल लो, अगले साल से तुम्हें भी ACLT में क्लास करने को मिलेगा। और ये है फिफ्थ फ्लोर का ACLT। सो एकेडमिक बिल्डिंग में टोटल 4 LT है जिनमें से एक फोर्थ फ्लोर में नॉन ACLT है फर्स्ट ईयर वालों के लिए। 2 LT तुम्हारे थर्ड फ्लोर पे आती है जिनमें से एक AC है और एक नॉन ACLT है, और चौथा LT ये है फिफ्थ फ्लोर वाला। थ्योरेटिकल क्लासेस के LT देखने के बाद अभी ये जो तुम सामने देख रहे हो ये है माइक्रोबायोलॉजी का प्रैक्टिकल क्लास। तो यहाँ पे जब तुम सेकंड ईयर में आओगे तो यहाँ पे तुम्हारी माइक्रोबायोलॉजी की प्रैक्टिकल कराई जाएगी। यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स के अलग से सेक्शन बनाया गया है तो तुम ताकि अपने एक्सपेरिमेंट्स अच्छे से परफॉर्म कर सको। ये जो तुम इतनी बड़ी भीड़ देख रहे हो कि किसी खाने के लिए लाइन नहीं लगी हुई है, ये सब लॉग बुक लेने के लिए खड़े हैं। तो ये है लॉग बुक माइक्रोबायोलॉजी का, तुम देख सकते हो। जब तुम फर्स्ट ईयर के एंड में आओगे तो तुम्हें भी अपने तीनों सब्जेक्ट्स का ऐसे लॉग बुक लिखना होगा जिसमें कि पूरे साल भर हमने उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो जो भी पढ़ा है उस लॉग बुक में फिल करके हमें डिपार्टमेंट को सबमिट करना होता है। और ये है हमारे पैथोलॉजी का प्रैक्टिकल रूम जिसकी क्लासेस भी तुम्हें सेकेंड ईयर में करवाई जाएगी। और ये फार्मा प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के टाइम का समय है, तुम देख सकते हो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स ने एप्रन पेन रखा और उनके रोल नंबर लिखे हुए उनके चेस्ट पे एक पेपर पे। और ये कम्युनिटी मेडिसिन का हमें एक प्रोजेक्ट मिला था, हमें एक केस को डेमोन्स्ट्रेट करना था। सो वी मेड ए टीम ऑफ 3 to 4 पीपल डेमोन्स्ट्रेटिंग अ केस। और ये जो तुम क्लासरूम देख रहे हो ये कम्युनिटी मेडिसिन का डेमोन्स्ट्रेशन रूम है। कॉमेड की जो थर्ड ईयर में जितनी भी क्लासेस होती है वो सारी के सारे यहीं पर करवाई जाती है। तो अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें कॉलेज की वो जगह जहाँ पे कोई स्टूडेंट जाना नहीं चाहता, जो कि है एग्जामिनेशन हॉल। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक के जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे तुम्हारे सारे के सारे यहीं पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। भैया ये सब तो बहुत देख लिया लेकिन कॉलेज का लाइब्रेरी किधर है? अच्छा, रुक जाओ लाइब्रेरी भी दिखाता हूँ। तो ये है हमारे कॉलेज का लाइब्रेरी। यहाँ पे सब स्टूडेंट्स के बैग रखने के लिए अलग से लॉकर बनाया गया है, तो तुम अपने बैग्स यहाँ पे सेफ्टी रख सकते हो। और फिर अगर तुम्हें कोई बुक्स अगर लैंड करने हैं तो यहाँ पे बहुत सारे तुम्हारे मेडिकल बुक्स रखे गए हैं, तो तुम कोई भी बुक्स यहाँ से इशू कर सकते हो और तुम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर तुम्हें वो वापस लाइब्रेरी में रिटर्न करनी पड़ती है। अब ये जो तुम देख रहे हो ये सेकंड फ्लोर में लाइब्रेरी का रीडिंग एरिया है
जो कि नॉन एसी है, बट यहाँ पे तुम पढ़ना चाहो तो कभी भी पढ़ सकते हो। और ये सेकंड फ्लोर की लाइब्रेरी के रीडिंग रूम का एसी वाला पोर्शन है, जहाँ पे अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तुम ये वाले पोर्शन में भी बैठ के पढ़ सकते हो। तो ये तो हुआ लाइब्रेरी जो कि सेकंड फ्लोर में है। फर्स्ट फ्लोर में भी लाइब्रेरी का कुछ पोर्शन है जो कि तुम सेकंड फ्लोर की लाइब्रेरी के रास्ते से ही जा सकते हो। तो वहाँ पर जो है तुम्हारी पूरी फुल्ली एसी लाइब्रेरी है, जो कि तुम देख सकते हो यहाँ पर आउटर वाले पार्ट में जो है वो कंप्यूटर एंड डेस्कटॉप्स लगे हुए, जो अगर तुम कभी इन केस तुमको नीड पड़े तुम यूज़ कर सकते हो। और अंदर में भी जो है वो फुल्ली एसी लाइब्रेरी, और वहाँ पे भी तुम जाओगे बैठ के पढ़ सकते। भैया बहुत पढ़ाई लिखाई की बात हो गई, अब तो भूख लगने लगी है। ठीक है चलो अब कैंटीन चलते हैं। सो कॉलेज में दो कैंटीन है और ये नया वाला कैंटीन है, तो इसे न्यू कैंटीन या फिर इंटर्न कैंटीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंटर्न हॉस्टल के जस्ट नीचे ही है। तो दोनों कैंटीन में से आप किसी में जाके खा सकते हो। और ये है कॉलेज का कॉमन रूम, जो कि एकेडमिक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर ही है, जहाँ पर आके तुम टेबल टेनिस या फिर कैरम कुछ भी खेल सकते हो। ये सब तो ठीक ही भैया, कॉलेज की पढ़ाई लिखाई भी देख ली, खाना पीना भी खा लिया, लेकिन कॉलेज में नाच गाना कहाँ होता है। अच्छा अच्छा रुक जाओ भाई, वो भी दिखाता हूँ। चलो कॉलेज के ऑडिटोरियम चलते हैं। तो ये है हमारे कॉलेज का ऑडिटोरियम, जहाँ पे सारे फेस्ट, फ्रेशर्स, कॉन्वोकेशन, डीजे नाइट्स और सारे प्रोग्राम्स यहीं पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। और तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, मेरी आईडी कहीं तुम्हें यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी, या फिर चाहो तो तुम मेरे डिस्क्रिप्शन से जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो चलो गाइस, आज की वीडियो के लिए तो इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें CMHDS के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना गाइस। तुम लोग यार वीडियो तो देख लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसे थोड़ी चलेगा यार। इतनी मेहनत से मैं तुम लोगों के वीडियो बनाता हूँ, 3-3, 4-4 घंटे कर बैठ के वीडियो को एडिट कर, सब्सक्राइब तो करके जाओ। हाँ नीचे देखो एक व्हाइट कलर का बटन आ रहा होगा, हाँ उसको प्रेस कर देना। हाँ हाँ वेरी गुड। तो चलो गाइस, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।